गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी निकला हूँ अपने काम के लिए। और ये देखिए, मैंने अपना सारा सामान गाड़ी में लोड कर रखा है और अभी इसी रास्ते से दोस्तों गाँव जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सुबह निकल गया था 6 बजे और 2 गाँव घूम भी लिया हूँ। और आज देखो दोस्तों, करीब 700-800 रुपये का सेल हो गया अभी 1 घंटे में। तो अभी चलते हैं, इधर एक गांव है रहन भाटा करके, उसी गांव में जाते हैं बेचने के लिए, देखते हैं आज कैसा सेल होता है। और ये कल मेरा कुछ नया माल आया था, चूड़ी का आइटम। ये देखिए, ये सारी चूड़ी की डब्बी है, ये 100 रुपये की सेल होती है। तो चलिए दोस्तों गांव के अंदर चलते हैं और देखते हैं आज कैसा सेल होता है। ये दोस्तों, जैसे मैं गांव जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक टैंक दिखाई दिया और मैं अभी इसी रास्ते से आया हूं और अभी इस रास्ते में जाएंगे। और इधर देखिए, मेरे पीछे एक बड़ा सा डैम है और ये इस इलाके का बहुत ही फेमस डैम है, यहां पे बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती है। और यही डैम है दोस्तों, इस डैम का नाम है बाकेल डैम और ये बहुत ही बड़ा डैम है। ये देखें आप, डैम के बगल में एक पहाड़ भी है। यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों, कितना प्यारा नज़ारा है। और डैम के बीच में से एक ब्रिज बनाया गया है, ये ब्रिज है जिससे गाड़ी आना जाना होता है। और इस तरफ भी डैम है। गांव पहुंच गए हैं दोस्तों और ये देखिए गांव का नज़ारा। इसी गांव में आए हैं अभी सामान बेचने के लिए। दीदी लोग को चूड़ी निकाल के दे दी है दोस्तों और यहां पे दीदी लोग पसंद कर रही है। देखते हैं यहां पे कैसा सेल होता है। बुढ़िया के बाल ले लो, बुढ़िया के बाल। और यहां पे करीब 500 का बेच लिए हैं दोस्तों। अरे क्या जानी नहीं आता। वहाँ से बेचने के बाद अभी थोड़ा सा आगे आए हैं और यहाँ पे भी एक दीदी चूड़ी पसंद कर रही है। यहाँ पर भी दोस्तों लगभग 300 का बेच लिए हैं। इसी तरह से दोस्तों गांव में चूड़ी बेचते हैं। और देखिए, इसी प्रकार से चूड़ी को खोल करके सीट पे रख करके दिखाना पड़ता है। 50 के नहीं, सेट आसवा 50 जिन आगे देखे चलो, इटा नहीं ऐसे 50 के तो हमके नहीं मिल से, हमें किनता करे दम 50 टो के डेटा नहीं ऐसे ना। चूड़ी बेच करके गांव के बाहर आ गए हैं दोस्तों। और यहां पे देखिए, एक ताई जी जो है रोड के साइड में बैठ करके आते जाते लोगों को पानी पिलाती है। तो मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुझे भी बहुत तेज प्यास लग रही है। मैं सब दिन पिला से हूँ, थोड़ा मास है ना, क्या देख 3 मास 4 मास। वहाँ से पानी पीने के बाद मैं निकला दोस्तों और अभी मैं आ गया हूँ एक अलग लोकेशन पे। और मेरे पीछे एक छोटा सा पहाड़ है जंगल टाइप का। तो चलिए अभी यहीं पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बैठेंगे। तो चलिए पहाड़ के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दिया मैंने और मैं अभी जाऊँगा, देखिए चट्टान पर आराम से वहाँ पर रेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहाड़ के ऊपर में। फिर आ गए
सब राज्य खुश है। हाँ तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। तो आ गए हैं दोस्तों, देखिए पहाड़ के ऊपर में, मेरे नीचे देखिए पीछे पूरा खाई है और अभी मैं पहाड़ के ऊपर में खड़ा हूँ और ये देखिए पूरा जंगल है, चारों तरफ अमेजोन का जंगल है। सॉरी यार, अमेजोन का जंगल नहीं है दोस्तों, इंडिया का जंगल है ये। और ये पहाड़ है और अभी यहाँ पे मस्त चट्टान पे मैं बैठता हूँ। ओह हा, मज़ा आ गया, क्या बात है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों, चारों तरफ देखिए जंगलों से घिरा हुआ है। मस्त यहाँ पे बैठेंगे, अभी कम से कम आधा घंटा रेस्ट लेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे। दोस्तों मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि मेरा भी चैनल मोनिटाइज होगा और मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों, इत्तेफाक की बात है कि 1 से 1.5 महीने में मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था और 500 प्लस सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके थे। फिर उसके बाद और 1.5 महीने में 500 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, तो टोटल मेरा 8000 घंटे का वॉच टाइम मैंने कंप्लीट किया 3 महीने में और 1000 प्लस सब्सक्राइबर मेरे 3 महीने में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और आज हमारा जो है चैनल दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों मोनेटाइज होने के बाद तकरीबन 20 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों और काम में चला जाता हूँ और काम में जाता हूँ यार तो टाइम नहीं मिलता है वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका था। मैंने चप्पल का बिजनेस करा था और तकरीबन मैंने बैंक से 2 लाख रुपया का लोन लिया था। उसके बाद मैं गया दिल्ली, बल्ली मारन बोल के दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे पूरी चप्पल की मंडी लगती है और वहाँ पूरा चप्पल का होलसेलर का कारोबार है, वहाँ पे होलसेल होता है वहाँ से। तो मैंने गया वहाँ पे और एक गुड लक फुटवेयर करके एक शॉप है, बहुत बड़ा दुकान है उसका, तो मैं उसके पास गया। उसके पास जाने के बाद मैंने अपने सारे आइटम सिलेक्ट करे, उसके बाद जो भी मैंने आइटम सारा सिलेक्ट किया और मैं बोला उनको कि भाई तू इतना 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 पीस डाल दो, तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कार्टून माल लिया 1.5 लाख रुपए का, 50,000 का एक कार्टून बना था, फैंसी आइटम लिया। उसके बाद 1.5 लाख का माल वहाँ से लिया मैंने दोस्तों। उसके बाद मैं सारे आइटम सिलेक्ट करके बोल दिया उसको कि आप इतना इतना पीस सारे आइटम का डाल दो और मैं उसको पेमेंट किया। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। फिर उस दुकान वाले ने क्या किया कि जो आइटम मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, जो उसके दुकान में बेकार पड़े हुए थे, रिजेक्ट माल, लाट का माल, वो सारा माल वो बंदा भेज दिया। जब मैं वापस अपने घर पे आ गया, टिटलागढ़ में आ गया, उसके बाद मैं देखा माल मेरे पास पहुंचा तकरीबन 6 या 7 दिन के बाद। तो जब मैं माल कार्टून खोला दोस्तों, मैं बिल्कुल शॉक हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उसके बाद माल मैंने खोला, देखा बिल्कुल किसी की पेस्टिंग उकड़ी हुई है, कोई माल बिल्कुल ख़राब। उन्होंने बिल्कुल लाट वाला माल मुझे भेज दिया जो उसके दुकान में लाट पड़ा हुआ था। तो मेरे भाइयों चलो, मैंने उसको कॉल भी किया कि देखो भाई आपने ऐसा ऐसा किया, फ्रॉड किया मेरे साथ। उसके बाद फर्स्ट टाइम तो बंदा ने कॉल रिसीव किया, उसके बाद जब मैंने बताया कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपसे इतना इतना माल लिया, उसके बाद उस बंदे ने मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में कर दिया और आज भी कॉल करता हूँ अलग अलग नंबर से, मेरी आवाज़ सुन करके वो बंदा कॉल काट देता है, मुझसे बात ही नहीं करता। तो चलो दोस्तों, मैंने सबर कर लिया, कोई बात नहीं यार, 1.5 लाख रुपया कौन सी बड़ी चीज़ है, ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, मैं फिर कमा लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग अगर चप्पल की बिज़नेस करते हो या कोई भी आइटम की बिज़नेस करते हो, अगर दिल्ली जाते हो या कोई भी जगह जाते हो, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों अपने आँखों के सामने अपने माल को पैक करवाना, कार्टून बनाना, खुद साथ में जा करके ट्रांसपोर्ट में माल लगवा लेना, उसके बाद आप वहां से आना। नहीं तो दोस्तों ऐसा फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, तो प्लीज़ सतर्क रहें। तो देखिए दोस्तों, मैं परेशान हूं, यही मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और कर्जा है मेरे को कभी तकरीबन लोन में 14,000 रुपया हर महीने बैंक में भरना पड़ता है दोस्तों। तो प्लीज़ यार, काम में बिजी रहता हूँ इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ।
तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और ये देखिए दोस्तों, यही सारा माल जो है, मैं दिल्ली जब गया था तो यही सारा माल फ्रॉडबाजी करके भेजा है मेरे को, देख सकते हैं आप। जो मैं देखिए ये माल दोस्तों, पैसा देने से क्या कोई फ्री में दूंगा तो नहीं लेगा। देखिए आप कितना घटिया माल भेजा है उन्होंने। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अगर कोई बिजनेस करते हो तो प्लीज़ सतर्क रहें और ऐसे फ्रॉडबाजी से बचें। देखिए ये सारी माल बिल्कुल ख़राब है यार। तो यार मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ही कर्ज में डूबा हूँ, तो प्लीज़ मेरे भाई आप लोग सपोर्ट करना यार। देखो यार ये पूरी घटिया माल है, ये माल यार देख सकते हो आप। देखो ये देखो आप, बिल्कुल कचरा माल है भाई। और अभी पूरा माल देखो ऐसे भरा पड़ा अभी तक, देख सकते हो आप। इधर है, इधर सारे माल देखे आप, कैसे रग बरग माल भेजा उन्होंने। तो प्लीज़ मेरे भाई आप लोग सपोर्ट करो यार, और बिल्कुल घटिया माल है भाई, क्या बोलूँ आपको। तो चलिए कोई बात नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है। साला बहुत गर्मी है, ओ बहन के दिमाग ने काम कर रहा है। यूट्यूब पे आते हो, चैनल बनाते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वीडियो अपलोड करते हो, आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आते, आप डीमोटिवेट हो जाते हो और वीडियो अपलोड करना छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, अगर यूट्यूब पे काम करना है ना तो आप पूरे एक साल यूट्यूब को दे दो कि मुझे यूट्यूबर बनना है और हर एक दिन एक वीडियो आपको हर हाल में अपने चैनल पे अपलोड करना है एक साल तक। फिर देखो दोस्तों, आपको यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी दोस्तों, मुझे कुछ नहीं आता था, यूट्यूब क्या है मैं जानता भी नहीं था मेरे यार, मैं सही बता रहा हूँ। सब्सक्राइबर क्या होते हैं मुझे वो भी नहीं पता था, दूसरे की वीडियो में देखता था चैनल को सब्सक्राइब करो बोलते थे, मुझे पता नहीं था सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने से क्या होता है। लेकिन धीरे 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 मैंने यूट्यूब से ही सारी चीज़ सीखा, यूट्यूब में देख करके अपना चैनल बनाया और आज जो है हमारा चैनल मोनिटाइज हो चुका है। तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों यूट्यूब पर काम करने के लिए, अच्छे से अच्छे कैमरा हो, अच्छे से अच्छे मोबाइल हो। लोग सोचते हैं ना अच्छा मोबाइल होने से ही हम यूट्यूबर बन सकते हैं, अच्छा कैमरा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास पता है मात्र 2 GB रैम वाला मोबाइल है, Oppo 11K मेरे पास, बहुत ही पुराना मॉडल है दोस्तों, मात्र 2 GB रैम का मोबाइल है मेरे पास। मैं उसी से वीडियो शूट करता था और अपलोड कर देता था और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल को मोनेटाइज भी हो चुका है और मोनेटाइज होकर के 20 दिन हो चुके हैं दोस्तों। मैंने 20 दिन के बाद अभी तक कोई भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन आज के बाद से मैं इस पर डेली वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोग सपोर्ट करना, वीडियो को पूरा देखना। तो आप लोग भी यूट्यूब पर आओ यार, यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लाइफ को चेंज करने के लिए, बट क्या है थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, 1 से 2 वीडियो डालते हो, व्यूज़ नहीं आते, यूट्यूब को छोड़ देते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ना यूट्यूब पे बने रहना है बिल्कुल एक साल तक, फिर देखिए आपको यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो बड़े बड़े क्रिएटर कहते हैं ना, ये करो वो टैग लगाओ, ऐसे करो ये वीडियो टैग लगाओ तो वीडियो वायरल होगा, कुछ नहीं। ये साले लोग खाली अपना पेट भर रहे हैं नए नए यूट्यूबर को चूतिया बना करके। देखिए दोस्तों, आप जिस पे वीडियो बनाते हो टाइटल उसी का डाल दो। अभी देखो एक ट्रक ड्राइवर है आर राजेश ब्लॉग करके, आज मछली भात बनाए टाइटल में लिख देता, तो ये कोई टैग है? कोई टैग है ये? बस वो जो काम किया, जो खाना बनाया, बस उसी को टाइटल बना दिया और टाइटल में डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया, फिर भी उनके वीडियो में व्यूज आते हैं क्योंकि उनकी फेस वैल्यू बन चुकी है, उसको लोग जानते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ है फेस वैल्यू बनाना। अगर आपका ये फेस का जो वैल्यू बन गया ना, तो आपको कोई टाइटल कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो डालो शूट करो अपलोड करो, व्यूज़ अपने आप ही आएंगे। ये सारे लोग चुतिया बनाते हैं, टाइटल ये लगाओ वो करो ये करो लंद फन, ये सारे फजूल की बातें, अपने दिमाग से काम करो दोस्तों, तो यूट्यूब पर कामयाब होगे। और डेली काम करो, हर एक दिन वीडियो अपलोड करो। यही वक्त है यूट्यूब पे आने का। अगर आप यंग जनरेशन हो या पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई के साथ साथ पे यूट्यूब पे भी काम कर सकते हो दोस्तों। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को आप यूट्यूब पे लाओ। और देखो दोस्तों, हर इंसान के अंदर जो है ना कुछ टैलेंट होता है, तो अपने टैलेंट को दिखाओ।
तो फटाफट आज ही YouTube चैनल बनाओ और वीडियो डालना शुरू कर दो। अरे जो आता है वही बनाओ, देख लो अभी। अब देखो एक ब्लॉगर है अभी, क्या नाम है उसका, बिजेरिया ब्लॉग। सुबह उठता है, लोटाल में पानी लेता है। देखिए दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हवनिंग के लिए, जंगल में आए। देखिए दोस्तों हवनिंग के लिए उसको वीडियो बना दे रहा है, वो वीडियो चल जा रहा है। जो आता है बना दो, जो आता है कॉमेडी वीडियो बनाओ, इमोशनल वीडियो बनाओ, मोटिवेशन वीडियो बनाओ, बहुत तरह की कैटेगरी है। अब काम करो, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होते हैं ना। जो मान ले वो हार है, जो ठान ले वो जीत है। तो मानना नहीं है, ठानना है। आपको एकदम ठान लेना है कि एकदम एक साल तक मुझे YouTube पे काम करना है और यूट्यूबर बनना है। तो एक ना एक दिन आप यूट्यूबर बन जाओगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।